बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.2 एक्सरसाइज का से रिलेटेड एक थ्योरम देख रहे हैं। इस थ्योरम में हमें कहा गया कि जी एक ग्रुप है और एच जो है जी का सब ग्रुप है। ठीक है जी, जी ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है। तो जो सेट है ए एच ए, उसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट हैं। हमने शो करना है कि ये जो सेट है ए एच ए, ये सब ग्रुप है जी का, यानी कि ये सेट जी का सब ग्रुप है, ये हमने शो करना है। इसका प्रूफ शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे लेक्चर के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो अब हमने ए एच ए को शो करना है कि ये सब ग्रुप है जी का, वो शुरू करते हैं। तो इसके हम दो एलिमेंट ले लेंगे, एक्स और वाई, हमने दो एलिमेंट ले लिए जो ए एच ए इनवर्स में मौजूद हैं। तो ए एच ए इनवर्स, सॉरी, इससे पहले मैं ए एच ए बोलता रहा, तो ये है क्या ए एच ए इनवर्स। अब हम प्रूफ, सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन होती है कि एक्स वाई इनवर्स सेट में मौजूद है, तो इसका मतलब है वो सब ग्रुप है। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि एक्स वाई इनवर्स ए एच ए इनवर्स में मौजूद है। तो अब एक्स का जो एलिमेंट्स होंगे, एक्स और वाई इस सेट में मौजूद हैं, ये सेट है हमारा, ठीक है, इसमें एक्स और वाई मौजूद हैं। तो एक्स की जो शेप होगी वो इस टाइप की होगी, इसी तरह वाई की जो शेप है वो भी इसी टाइप की होगी। तो यहाँ पर हमने देख लें, एक्स ले लिया ए एच वन ए इनवर्स, इस तरह वाई ले लिया ए एच टू ए इनवर्स, ठीक है जी। अब ये एक्स और वाई, एच वन एच टू दोनों एच के एलिमेंट होंगे। यहाँ पर जो कंडीशन है कि ये जो एच है स्मॉल एच, इसका ताल्लुक इससे है कैपिटल एच से, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने दो एलिमेंट उसी टाइप के ले लिए। अब हमने एक्स वाई का इनवर्स लिया। अब यहाँ पर देखें, एक्स की वैल्यू डाल दी, ये वाई की वैल्यू डाल दी है। अब क्या होगा नेक्स्ट, इनवर्स का जो रूल है इस जगह पर वो अप्लाई हो जाएगा। अब वो रूल हमें क्या बताता है कि इनवर्स हर एलिमेंट का अलग हो जाता है, और जो आर्डर है एलिमेंट्स का वो भी चेंज हो जाता है। आर्डर चेंज होने का मतलब क्या है, पहले लेफ्ट से राइट पे था यूँ कह लें, अब राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि ए इनवर्स पहले आ जाएगा, फिर एच टू आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, और हर एक का इनवर्स भी अलग अलग हो जाएगा। यही काम हमने किया, देख लें। तो यहाँ पर देखें जी, ए इनवर्स का इनवर्स हो गया, फिर एच टू का इनवर्स हो गया, फिर ए इनवर्स का इनवर्स हो गया, जैसे ये वाला रूल अप्लाई हुआ, तरतीब चेंज हो जाती है। लेफ्ट साइड पर ए बी सी तरतीब में, राइट साइड पर जब इनवर्स अलग अलग होगा तो तरतीब क्या हो जाएगी, सी बी ए, और इनवर्स भी अलग अलग हो जाएगा, रिवर्स तरतीब हो गई है, ठीक है। तो यही काम हमने इस जगह पर किया है। अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल होता है, तो हमारे पास ए आ जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स इस जगह पर ए आ गया, बाकी सेम आ गया, ठीक है जी। अब ये काम करने के बाद, अब जब हमने ये काम कर लिया तो क्या होगा, अब ये चीज़ आ गई, इस जगह पर ए आ गया और ये वाला बाकी सेम आ गया, तो ये हमने लिख लिया। अब ये जो है ए इनवर्स इनटू ए, ये दोनों एक दूसरे के क्योंकि इनवर्स हैं, तो इस जगह पर ई आ जाएगा, बाकी सेम हो जाएगा।
अब आइडेंटिटी एलिमेंट जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वही आंसर आता है, इसलिए यहाँ से आइडेंटिटी ख़त्म हो गया। अब एच वन और एच टू इनवर्स दोनों एच के एलिमेंट हैं, एच के एलिमेंट एच क्योंकि सब ग्रुप है तो सब ग्रुप होने का मतलब क्या है कि एच क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करेगा। और दो एच के दो एलिमेंट लें हम और उनका प्रोडक्ट जो है वो भी एच में ही मौजूद होगा, तो यहाँ पर एच वन एच टू इनवर्स होना चाहिए। यहाँ पर आप ये इनवर्स एच वन एच टू इनवर्स इधर होना चाहिए, वो हमने लिख लिया। तब ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास इसको हमने एच के बराबर कह दिया ना, तो ए एच ए इनवर्स बन जाएगा एक्स वाई इनवर्स, और ये इस सेट में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रूव कर दिया कि ए एच ए इनवर्स जो है वो सब ग्रुप है जी का। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक और बात जो हमने नेक्स्ट जब हम करेंगे उसमें देखेंगे, तो उसके लिए ये मैं पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप इसको देख लें और जब हम नेक्स्ट टाइम ये रिजल्ट करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं एच एंड के ऑफ ए ग्रुप जी, यानी कि कोई ग्रुप जी है उसके दो सब ग्रुप्स हैं एच और के, तो उनका जो यूनियन है नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन सब ग्रुप होना लाजमी नहीं है, ये हम शो करेंगे। ये एक नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, उस थ्योरम को समझने से पहले हम ये देखेंगे, इसको आपको पता होना। तो हमने प्रूव किया हुआ है कि दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है वो लाजमी है, लेकिन जो यूनियन है उसका सब ग्रुप होना लाजमी नहीं है। तो इसकी एग्जांपल आप देखें कि हमारे पास एक जी ग्रुप है और ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। अब एच और के इसके देखें सब ग्रुप्स हैं, जी के सब ग्रुप्स हैं ये एच और के, इनका जब हम यूनियन लेंगे तो वो ये सेट आ जाएगा। पहले एच में 1 3 मौजूद है, के में 1 5 मौजूद है, यूनियन में दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 एंड 5। अब एच यूनियन के, एच का जी का सब वो तो सबसेट तो है लेकिन सब ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, जब हम एच यूनियन के दो एलिमेंट लेते हैं 3 एंड 5 उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 15। अब क्योंकि ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, तो 15 को आप 8 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 7। अब वो 7 जो है सेट में मौजूद नहीं है, अगर सेट में मौजूद होता तो ये सब ग्रुप बन जाता, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे हो रही होती। अब यहाँ क्योंकि सेट में ये मौजूद नहीं है इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो गई है, फेल हो गई है, और जब क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई है तो वो ग्रुप ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हमने ये देखा कि दो सेट्स अगर, यानी कि दो सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप के तो उनका यूनियन लाजमी नहीं है सब ग्रुप हो। तो ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त लेक्चर्स मिल सकें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।